तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरियूथपः दुःखाद् दुःखाभिभूतायाः सान्त्वमुत्तरम् अब्रवीत् अहं रामस्य सन्देशात् देवीदूतस्तवागतः वैदेहि कुशली रामः त्वं च कौशलम् अब्रवीत् यो ब्राह्ममस्तं वेदांश्च वेद वेदविदां वरः सत्वां दाशरथी रामः देवी कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजः भर्तुस्ते अनुचरः प्रियः कृतवान् शोकसंतप्तः शिरसा ते अभिवादनं सातयोः कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयोः प्रीतिसंहृष्ट सर्वांगी हनुमन्तं मथा ब्रवीत् कल्याणी बतगातेयं लौकिकी प्रतिभाति मा येति जीवन्तमानन्दः नरं वर्षशतादपि तया समागते तस्मिन् प्रीतिः उत्पादिताद्भुता परस्परेण चालापं विश्वस्तौ तौ प्रचक्रमुः तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरियूथपः सीतायाः शोकदीनायाः समीपम् उपचक्रमे यथा यथा समीपं स हनुमानुपसर्पति तथा तथा रावणं सा तं सीता परिशङ्कते अहो धिग्दुष्कृतमिदं कथितं मे हि यदस्य मे रूपान्तरमुपागम्य सेवायं हि रावणः ताम् अशोकस्य शाखां सा विमुक्त्वा शोककर्षिता तस्यामेवानवद्याङ्गी धरण्यां समुपाविशत् हनुमानपि दुःखार्तां धृतां दृष्ट्वा भयमोहिताम् अवन्दत महाबाहुः ततस्तां जनकात्मजां सा चैवं भयवित्रस्ता भूयो नैवाभ्युदेक्षत तं दृष्ट्वा वन्दमानं तु सीता शशिनिभाणना अब्रवीत् दीर्घं मुष्ट्वस्य वानरं मधुरस्वरा मायां प्रविष्टो मायावि यदि त्वं रावणस्वयम् उत्पादयसि मे भूयः सन्तापं तन्न शोभनं स्वं परित्यज्य रूपं यः परिव्राजकरूपधृक् न जनस्थाने मया दृष्टः त्वं स एवासि रावणः उपवासकृशां दीनां कामरूपनिशाचर सन्तापयसि मां भूयः सन्तप्तां तन्न शोभनम् अथवा नैतदेवं हि यन्मया परिशङ्कितं मनसो हि मम प्रीतिः उत्पन्ना तव दर्शनात् यदि रामस्य दूतस्त्वम् आगतो भद्रम् अस्तु ते पृच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे गुणान् रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर चित्तं हरसि मे सौम्य नदीकूलं यथारयः ओ स्वप्नस्य सुखता याहमेवं चिराहृता प्रेषितं नाम पश्यामि राघवेण वणूकसं स्वप्नोऽपि यद्यहं वीर राघवं सह लक्ष्मणं पश्येयं नावसीदेयं स्वप्नोऽपि मम मत्सरी नाहं स्वप्नम् इमं मन्ये स्वप्ने दृष्ट्वा हि वानरं न शक्योऽप्युदयः प्राप्तुं प्राप्तश्चाभ्युदयो मम किन्नु स्याच्चित्तमो होयं भवेद्वादगतिस्त्वयम् उन्मादजो विकारो वा स्यादियं मृगतृष्णिका अथवा नायमुन्मादः मोहोऽप्युन्मादलक्षणः सम्बुद्धे चाहमात्मानं इमं चापि वणूकसम् इत्येवं बहुधा सीता सम्प्रधार्य बलाबलं रक्षसां कामरूपत्वात् मेनेतं रक्षसाधिपम् एतां बुद्धिं तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा न व्याजहाराथ वानरं जनकात्मजा सीतायाश्चिन्तितं बुद्ध्वा हनुमान् मारुतात्मजः श्रोत्रानुकूलैर्वचनैः तदा तां सम्प्रहर्षयत् आदित्यैव तेजस्वी लोककान्तशशी यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुर्महायशाः सत्यवादी मधुरवाक् देवो वाचस्पतिर्यथा रूपवान् सुभगश्रीमान् कन्दर्पैव मूर्तिमान् स्थानक्रोधः प्रहर्ता च श्रेष्ठे लोके श्रेष्ठो लोके महारथः
बाहुच्छायामवष्टब्दः यस्य लोके महात्मनः यस्य लोको महात्मनः अपकृष्याश्रमपदात् मृगरूपेण राघवं शून्येनापणीतासि तस्य द्रक्ष्यसि यत्फलं न चिराद्रावणं सङ्ख्ये यो वधिष्यति वीर्यवान् रोषप्रमुक्तैः इषुभिः ज्वलद्भिरिव पावकैः तेनाहं प्रेषितो दूतः त्वत्सकाशम् इहागतः त्वद्वियोगेण दुःखार्तः सत्त्वां कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजः सुमित्रानन्दवर्धनः अभिवाद्य महाबाहुः सत्त्वां कौशलमब्रवीत् रामस्य च सखा देवी सुग्रीवो नाम वानरः राजा वानरमुख्यानां सत्त्वां कौशलमब्रवीत् नित्यं स्मरति रामस्त्वां स सुग्रीवः स लक्ष्मणः दृष्ट्या जीवसि वैदेही राक्षसी वशमागता न चिराद्रक्षसे रामं लक्ष्मणं च महाबलं मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीवं चामितौजसम् अहं सुग्रीवसचिवः हनुमान् नाम वानरः प्रविष्टो नगरीं लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिं कृत्वा मूर्ध्नि प्रभदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः त्वां द्रष्टुमुपयातोऽहं समाश्रित्य पराक्रमं नाहम् अस्मि तथा देवि यथा मामवगच्छसि विशङ्का त्यज्यतामेष शद्धस्व वदतो मम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीके आदिकाव्ये श्रीमत्सुन्दरकाण्डे रामगुणानुवर्णनं नाम चतुस्त्रिंशत् सर्गः जानकीकान्तस्मरणं सद्गुणात् महाराज की तं तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् उवाच वचनं सान्त्वम् इदं मधुरया गिरा क्व ते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः यानि रामस्य लिङ्गानि लक्ष्मणस्य च वानर तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत् कीदृशं तस्य संस्थानम् रूपं रामस्य कीदृशं कथं मूरु कथं बाहु लक्ष्मणस्य च शंसमे एवं मुक्तस्तु वैदेह्या हनुमान् मारुतात्मजः ततो रामं यथा तत्त्वम् आख्यातुमुपचक्रमे जानन्ति बत दिष्ट्या मां वैदेहि परिपृच्छसि भर्तुः कमलपत्राक्षि संस्थानं लक्ष्मणस्य च यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षि वदत शृणुतानि मे रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे तेजसा आदित्यसङ्काशः क्षमया पृथिवी समः बृहस्पतिसमो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्याभिरक्षिता रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः रामो भामिनि लोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः अर्चिष्मानर्चितोऽत्यर्थं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः साधूनामुपकारज्ञः प्रजारज्ञश्च कर्मणाम् च विद्या विनीतश्च ब्राह्मणानामुपासिता श्रुतवान् शीलसम्पन्नः विनीतश्च परन्तपः यजुर्वेद विनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाङ्गेषु च निष्ठितः विपुलां सो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः गूढजत्रुः सुतां राक्षो रामो देवि जनैश्रुतः दुन्दुभिस्वन निर्घोषः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् समः समविभक्ताङ्गः वर्णं श्यामं समाश्रितः त्रिस्थिरस्त्रप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु च उन्नतः त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धः गम्भीरस्त्रिषु नित्यशः चवलीवांस्त्र्यवनतः चतुर्व्यङ्ग्यस्त्रिशीर्षवान् चतुष्कलश्चतुर्लेखः चतुष्किष्किश्चतुस्समः चतुर्दश समद्वन्द्वः चतुर्दंष्टश्चतुर्गतिः महोष्टहनुनाशश्च पञ्चस्निग्धो अष्टवंशवान् दशपद्मो दश
बृहत् त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान् षडुन्नतो नवतनुः त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः सत्यधर्म परश्रीमान् संग्रहानुग्रहे रतः देशकाल विभागज्ञः सर्वलोकप्रियं वदः भ्राता च तस्य द्वैमात्रः सौमित्रिः अपराजितः अनुरागेण रूपेण गुणैश्चैव तथाविदः तावुभौ नरशार्दूलौ त्वद्दर्शनसमुत्सुकौ विचिन्वन्तौ महीं कृत्स्नाम् अस्माभिः अभिसङ्गतौ त्वामेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धरां ददर्शतुर्मृगपतिं पूर्वजेनावरोपितम् कस्य पृष्ठे तु बहुपादपसङ्कुले भ्रातुर्भयार्तमासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनं वयं तु हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसङ्गरं परिचर्यास्महे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितं ततस्तौ चीरवसनौ धनुः प्रवरपाणिनौ ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ सतौ दृष्ट्वानरव्याघ्रौ धन्विनौ वानरर्षभः अवप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः ततस्य शिखरं तस्शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयोः समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरं तावहं पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीववचनात् प्रभू रूपलक्षणसम्पन्नौ कृताञ्जलिरुपस्थितः तौ परिज्ञाततत्त्वार्थौ मया प्रीतिसमन्वितौ पृष्ठमारोप्यतं देशं प्रापितौ पुरुषर्षभौ निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्यसल्लापात् भृशं प्रीतिः अजायत ततस्तौ प्रीतिसम्पन्नौ हरीश्वर नरेश्वरौ परस्पर कृताशासौ कथया पूर्ववृत्तया अतस्य सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः स्त्रीहेतोर्वालिना भ्रात्रा निरस्तं मुरुतेजसा ततस्तन्नाशजं शोकं रामस्य क्लिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत् त्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणे नेरितं वचः तदासीन्निष्प्रबोध्यर्थं गृहग्रस्तैवांशुमान् ततस्त्वद्गात्रशोभीणि रक्षसा ह्रियमाणया यान्याभरणजालानि पतितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूथपाः संहृष्टा दर्शयामासुः गतिं तु न विदुस्तव तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च स्वस्वत्नवन्त्यवकीर्याणि कीर्णानि तस्मिन् विगतचेतसि तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तव तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितं पश्यतस्तानि रुदतः ताम्यतश्च पुनः पुनः प्रादीपयन् दाशरथेः तानि शोकहुताशनं शयितं शिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना मयापि विविधैर्वाक्यैः कृच्छ्रात् उत्थापितः पुनः तानि दृष्ट्वा महाबाहुः दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः सह सौमित्रिः सुग्रीवे सन्न्यवेशयत् सन्न्यवेदयत् स तवादर्शनादार्ये राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यम् अग्निनेवो अग्निनेवाग्निसर्पतः पर्वतः त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवं तापयन्ति महात्मानं अग्न्यगारमिवाग्नयः तवादर्शनशोकेन राघवः प्रविचाल्यते महता भूमिकम्पेन महानिव शिलोच्चयः काननानि सुरम्याणि नदीः प्रस्रवणानि च चरन्न रतिमाप्नोति त्वाम् अपश्यन् नृपात्मजे स त्वां मनुजशार्दूलः क्षिप्रं प्राप्स्यति राघवः समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे सहितौ रामसुग्रीवौ उभौ अकुरुतां तदा समयं वालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं तथा तस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां सहरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे सर्वक्षहरिसङ्घानां सुग्रीवम् अकरोत्पतिम् रामसुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत
हनुमन्तं च मां विद्धि द्वयोः दूतमिहागतं स्वराज्यं प्राप्य सुग्रीवः समानीय हरीश्वरान् त्वदर्थं प्रेषयामास दिशो दश महाबलान् आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महौजसा आद्रिराजप्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता वयं ततस्ते मार्गमाणा वै सुग्रीववचनातुराः चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुः महाबलः प्रस्थितकपिशार्दूलः त्रिभागबलसंवृतः तेषां नो विप्रनष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे वृषभशोकपरीतानाम् अहोरात्रगणागताः ते वयं कार्यनैराश्यात् कालस्यातिक्रमेण च भयाच्च कपिराजस्य प्राणान् त्यक्तुं व्यवस्थिताः विचित्यवनदुर्गाणि गिरिप्रस्रवणानि च अनासाद्यपदं देव्याः प्राणान् त्यक्तुं समुद्युताः ततस्तस्य गिरेर्मूर्ध्नि वयं प्रायमुपास्महे दृष्ट्वा प्रायोपविष्टांश्च सर्वान् वानरपुङ्गवान् वृषं शोकार्णवेमग्नः पर्यदेव यदङ्गदः तव नाशं च वैदेही वालिनश्च वधं तथा प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुषः तेषां न स्वामि सन्देशात् निराशानामुमूर्षतां कार्यहेतोरिवायातः शकुनिर्वीर्यवान् महान् घृत्रराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम घृत्रराट् श्रुत्वा भ्रातृवदं कोपात् इदं वचनमब्रवीत् यवीयान् केन मे भ्राता हतक्वच निपातितः एत आख्यातुम् इच्छामि भवद्भिः वानरोत्तमाः अङ्गदो कथयत्तस्य जनस्थाने महद्वधं रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्येथा तथं जटायुषो वधं श्रुत्वा दुःखितः सोरुणात्मजः त्वां शशंस वरारोहे वसन्तीं रावणालये तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पाते प्रीतिवर्धनं अङ्गदप्रमुखास्तूर्णं अतः सम्प्रस्थिता वयं विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तरं त्वद्दर्शनकृतोत्साहाः हृष्टास्तुष्टाः प्लवङ्गमाः अङ्गदप्रमुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपस्थिताः चिन्तां जग्मुः पुनर्भीताः त्वद्दर्शनसमुत्सुकाः गताहं हरिसैन्यस्य सागरं प्रेक्ष्यसीदतः व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः लङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टः त्वं च शोकपरिप्लुता एतत्ते सर्वम् आख्यातं यथा वृत्तं मनिन्दिते अभिभाषस्व मां देवि दूतो दाशरथेरहं तं मां रामकृतोद्योगं त्वन्निमित्तम् इहागतं सुग्रीवसचिवं देवि बुद्ध्यस्व पवनात्मजं कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशस्त्रभृतां वरः गुरोराराधने युक्तः लक्ष्मणश्च सुलक्षणः वीर्यवतो देवी मृत्युस्तव हिते रतः गुरो अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह मयेयं असहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणादिगणुक्रान्ता त्वन्मार्गविजयैषिणा दृष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशं मनुशोचताम् अपनेष्यामि सन्तापं तवाभिगमनगमशंसनात् दृष्ट्याहि मम नव्यर्थं देवि सागरलङ्घनं प्राप्स्याम्यहम् इदम् दृष्ट्या त्वद्दर्शनकृतं यशः राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते समित्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपं माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः स च देवशिभिर्दिष्टः पितामहः महाकपिः तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत् तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथि हनुमानिति विख्यातः लोके स्वेनैव कर्मणा विश्वासार्थं तु वैदेही भर्तुरुक्ता मया गुणाः अचिराद् राघवो देवी त्वामितो नयिता नगे एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्षिता उपपन्नैः अभिज्ञानैः दूतं तम् अवगच्छति अतुलं जगता हर्षं प्रहर्षेण च जानकी नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्माभ्यां मुमोचानन्द आनन्दजं जलं
चारुतद्वदन तस्याः ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्याः राहुमुक्तैवोडुराट् हनुमन्तं कपिं व्यक्तं मन्यते नान्यथेति सा अथोवाच हनुमान्स्तम् उत्तरं प्रियदर्शनाम् एतत्ते सर्वम् आख्यातं समाश्वसि हि मैथिली किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियाम्यहं हते सुरे सम्यति शम्बसादने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात् ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये श्रीमत्सुन्दरकाण्डे सामुद्रिकालक्षणवर्णनं नाम पञ्चत्रिंशत् सर्गः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम सद्गुणात्मराज की जय भूयेव महातेजः हनुमान् मारुतात्मजः अब्रवीत् प्रश्रुतं वाक्यं सीताप्रत्ययकारणात् वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः रामनामाङ्कितं छेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकं प्रत्ययार्थं तवानीतं तेन दत्तं महात्मना समाश्वसि भद्रं ते क्षीणदुःखफलायसि गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुकरविभूषणं भर्तारमिव सम्प्राप्ता जानकी मुदिता भवत् चारु तद्वदनं तस्याः ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्याः राहुमुक्तैवोडुराट् नतः सा ह्रीमती बाला भर्तृसन्देशहर्षिता परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशशंस महाकपिं विक्रान्तस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रदर्शितम् हतयोजन विस्तीर्णः सागरो मकरालयः विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः न हि त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरर्षभ यस्य ते नास्ति सन्त्रासः रावणान्नापि सम्भ्रमः अर्हसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुं यद्यपि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना प्रेषयिष्यति दुर्दशः रामो न ह्यपरीक्षितं पराक्रमम् अविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः दृष्ट्या च कुशली रामः धर्मात्मा सत्यसङ्गरः लक्ष्मणश्च महातेजः सुमित्रानन्दवर्धनः कुशली यदि काकुत्स्थः किन्नु सागरमेखलां महीं दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवोत्तितः अथवा शक्तिमन्तौ तौ सुराणामपि निग्रहे ममैव तु न दुःखानाम् अस्ति मन्ये विपर्ययः कच्चिन्न व्यथितो रामः कच्चिन्न परितप्यते उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः छिन्नदीनसम्भ्रान्तः कार्येषु च न मुह्यति कच्चित् पुरुषकार्याणि कुरुते नृपते सुतः द्विविधं त्रिविधोपायम् उपायमुपसेवते विजिगीषु सुहृत् कच्चित् मित्रेषु च परन्तपः कच्चिन्मित्राणि लभते मित्रैश्चाप्यभिगम्यते कच्चित् कल्याणमित्रश्च मित्रैश्चापि पुरस्कृतः कच्चिदाशास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः कच्चित् पुरुषकारं च दैवं च प्रतिपद्यते कच्चिन्न विगतस्नेहः प्रसादान्मयि राघवः कच्चिन्मां व्यसनादस्मात् मुक्षयिष्यति वानर सुखानामुचितो नित्यम् असुखानामनुचितः दुःखमुत्तरमासाद्य कच्चिद् रामो न सीदति कौसल्यायास्तथा कच्चित् सुमित्रायास्तथैव च अभीक्ष्णं श्रूयते कच्चित् कुशलं भरतस्य च निमित्तेन माणार्हः कच्चिच्छोकेन राघवः कच्चिन्नान्यमना रामः कच्चिन्मां तारयिष्यति कच्चिदक्षौहिणीं भीमां भरतो भ्रातृवत्सलः ध्वजिनीं मन्त्रिभिर्गुप्तां
प्रेषयिष्यति मत्कृते वानराधिपति श्रीमान् सुग्रीवः कच्छिदेष्यति मत्कृते हरिभिर्वीरैः वृतो दन्तनखायुधैः कच्छिच्च लक्ष्मणशूरः सुमित्रानन्दवर्धनः अस्त्रविच्छरजालेन राक्षसान् विधमिष्यति रौद्रेण कच्छिदस्त्रेण ज्वलता निहतं रणे द्रक्ष्याम्यल्पेन कालेन रावणं सुसहृज्जनं कच्छिन्न तत् हेम समानवर्णं तस्याननं पद्मसमानगन्धी मया विना शुष्यति शोकदीनं जलक्षये पद्ममिवातपेन धर्मापदेशात् त्यजतश्च राज्यं मां चाप्यरण्यं नयतः पदातिं नासीद्यथा यस्य नभिर्न शोकः कच्चिच्च धैर्यं हृदये करोति चास्य माता न पिता न चान्यः स्नेहाद्विशिष्टोऽस्ति मया समो वा तावत्त्वहं दूतजिजीविषेयं यावत्प्रवृत्तिं शृणुयां प्रियस्य इतीव देवी वचनं महार्थम् तं वानरेन्द्रं मधुरार्थमुक्त्वा श्रोतुं पुनस्तस्य वचोभिरामं रामार्थयुक्तं विराराम रामा सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिर्भीमविक्रमः शिरस्यञ्जलिमादाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् नत्वामिहस्तां जानीते रामः कमललोचने तेन त्वां नाणयत्याशु शचीमिव पुरन्दरः श्रुत्वैव तु वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमूं प्रकर्षन् महतीं हर्यक्षगणसङ्कुलाम् स्तम्भयित्वा बाणौघैः अक्षोभ्यं वरुणालयं करिष्यति पुरीं लङ्कां काकुत्स्थश्चान्तराक्षसां तत्र यद्यन्तरां मृत्युः यदि देवाः सहासुराः स्थास्यन्ति पथि रामस्य सतानपि वधिष्यति तवादर्शनजेनार्ये शोकेन स परिप्लुतः न शर्म लभते रामः सिंहार्दितैव द्विपः मलयेन च विन्द्येन मेरुणा मन्दरेण च दर्दुरेण च ते देवि शपे मूलफलेन च यथा सुनयनं वल्गु बिम्बोष्टं चारुकुण्डलं मुखं रक्षसि रामस्य पूर्णचन्द्रमिवोदितं क्षिप्रं रक्षसि वैदेहि रामं प्रस्रवणे गिरौ शतक्रतुमिवासीनं नाकपृष्ठस्य मूर्धनि नमांसं राघवो भुङ्क्ते न चापि मधुसेवते वन्यं सुविहितं नित्यं भक्तमश्नाति पञ्चमं नैव दंशान्न नशकान्न कीटान्न सरीसृपान् राघवो अपनयेद्गात्रा त्वत्कतेनान्तरात्मना नित्यं ध्यानपरो रामः नित्यं शोकपरायणः नान्यच्चिन्तयते किञ्चित् स तु कामवशं गतः अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा यद्वान्यत् सुमनोहरं बहुशो हा प्रियेत्येवं श्वसन् त्वामभिभाषते स देवि नित्यं परितप्यमानः त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः दृढव्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय
कृत प्रयत्नः सा राम संकीर्तन वीत शोका रामस्य शोकेन समान शोका शरण्मुखे साम्बुदशेष चंद्रा निषेव वैदेह सुता बभूव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये श्रीमत्सुंदरकांडे अंगुलीयक प्रदानम् नाम षट्त्रिंशत् सर्गः। जानकी कांतस्मरणम्। जय जय राम राम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सीता तत्वचनं श्रुत्वा पूर्णचंद्र निभानना हनुमन्तं उवाचेदं धर्मार्थसहितं वचः। अमृतं विषसंसृष्टं त्वया वानरभाषितं यच्च नान्यवनारामो यच्च शोकपरायणः। ऐश्वर्ये वासु विस्तीर्णे व्यसने वासु दारुणे रज्ज्वेव पुरुषं बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षते। विधिर्नूनमसंहार्यः प्राणिनां प्लवगोत्तम सौमित्रीं मां च रामं च व्यसनैः पश्य मोहितान्। शोकस्यास्य कदापारं राघवोऽधिगमिष्यति प्लवमानः परिश्रान्तो हतनौ सागरे यथा राक्षसानां वधं कृत्वा सूदयित्वा च रावणं लङ्कामुन्मीलितां कृत्वा कदा द्रक्षति मां पतिः। स वाच्यः सन्त्वरस्त्वेति यावदेव न पूर्यते अयं संवत्सरः कालः तावद्धि मम जीवितं वर्तते दशमो मासो द्वौ तु चैषो प्लवङ्गमा रावणेन नृशंसेन समयो यकृतो मम विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति अनुनीतप्रयत्नेन न च तत् कुरुते मतिं मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न रोचते। रावणं मार्गदेशङ्के मृत्युकालवशङ्कतः ज्येष्ठा कन्यानलानां विभीषणसुताकपे तया ममेदाख्यातं मात्रा प्रति प्रहितया स्वयं अविन्द्यो नाम मेधावी विद्वान् राक्षसपुङ्गवः द्युतिवान् शीलवान् वृद्धो रावणस्य सुतं मदः। रामक्षयमनुप्राप्तं रक्षसां प्रत्यचोदयते न च तस्य स दुष्टात्मा शृणोति वचनं हितम् असंशयं हरिश्रेष्ठ क्षिप्रं मां प्राप्स्यते पतिः। अन्तरात्मा हि मे शुद्धः तस्मिंश्च बहवो गुणाः उत्साहः पौरुषं सत्त्वं मानुषं कृतज्ञता विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे। चतुर्दशसहस्राणि रक्षतानां जगानयः जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रुकस्तस्य नो द्विजेत् न स शक्यस्तुलयितुं व्यसनैः पुरुषर्षभः। अहं तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा शरजालांशुमांशुरः कपे रामदिवाकरः। शत्रुरक्षोमयं तोयम् उपशोषं नयिष्यति इति सञ्जल्पमानां तां रामार्थे शोककर्षिताम् अश्रुसम्पूर्णैनां उवाच वचनं कविः। श्रुत्वैव तु वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमुं प्रकर्षन् महतीमर्यक्षगणसङ्कुलाम् अथवा मोचयिष्यामि त्वाम् मध्यैव व्राणने अस्माद्दुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते त्वां तु पृष्ठकथां कृत्वा सन्तरिष्यामि सागरं शक्तिरस्ति हिमे सोढुं लङ्कामपि स रावणाम् अहं प्रसरवणस्यात् राघवायाद्य मैथिली प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यं हुतमिवानलः। द्रक्षस्यद्यैव वैदेहि राघवं सह लक्ष्मणं व्यवसाय समायुक्तं विष्णुं दैत्यवदेयता त्वद्दर्शनकृतोत्साहम् आश्रमस्थं महाबलं पुरन्दरमिवासीनं नागराजस्य मूर्धनि पृष्टमारोहमे देवी मा विकाङ्क्षस्व शोभने योगमन्विच्य रामेण शशाङ्केनैव रोहिणी कथयन्तीव चन्द्रेण सूर्येण च महर्षिषा मत्पृष्ठमधिरुह्यत्वं तराकाशमहार्णवो न हि ते सम्प्रयातस्य त्वामितो नयितोऽङ्गणे अनुगन्तुं गतिं शक्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः। एतैवाहमिह प्राप्तः तथैवाहमसंशयः यास्यामि पश्य वै देहि त्वामुद्यम्य विहायसं मैथिली तोरिश्रेष्ठा। श्रुत्वा वचनमद्भुतम्
ஸ்தோத்திரம். ஹர்ஷ விஸ்மித சர்வாங்கீ ஹனுமந்தமதாப்ரவீத் ஹனுமந்தூரமத்வானம் கதம் மாம் ஓடுமிச்சசி ததேவ கலுதேமன்யே கபித்வம் ஹரியூதப கதம் வா அல்பசரீரத்வம் மாமிதோ நேதமிச்சசி சகாஷம் மானவேந்திரஸ்ய பர்த்துர்மே ப்ளவகர்ஷபா. சீதாயா வச்சனம் ஸ்ருத்வா ஹனுமான் மாருதாத்மஜஹ சிந்தயாமாச லக்ஷ்மீவான் நவம் பரிபவம் கிருதம். நமே ஜானாதி தத்வம் வா பிரபாவம் வாசி தக்ஷணா தஸ்மாத் பஷ்யது வைதேஹி யத் ரூபம் மம காமதஹ இதி சஞ்சிந்த்ய ஹனுமான் ததா ப்ளவக சத்தமஹ தர்ஷயாமாச வைதேஹ்யாஹ ஸ்வரூபமரிவர்தனஹ சதஸ்மாத் பாதபாத் தீமான் ஆப்ளுத்ய ப்ளவகர்ஷபஹ ததோ வர்திதுமாரேபே சீதா பிரத்யே காரணாத் மேருமந்தர சங்காஷோ பபோதீப்தான பிரபா அக்ரதோ வியவதஸ்தே ச சீதாயா வானரோத்தமஹ ஹரிப்பர்வத சங்காஷஹ தாம்ரபக்த்ரோ மகாபலஹ வஜ்ரஜம் ஸ்ரண கோ பீமோ வைதேஹீமிதம் அப்ரவீத் சபர்வத மனோத்தேஷாம் சாட்ட பிராகார தோரணாம் லங்காமிமாம் சநாதாம் வா நைதும் சக்திரஸ்தி மே ததவஸ்தாப்யதாம் புத்திஹி அலம் தேவி விகாங்க்ஷயா விஷோகம் குரு வைதேஹி ராகமம் சகலக்ஷ்மணம் தம் திருஷ்டுவா பீமசங்காஷம் உவாச்ச ஜனகாத்மஜா பத்மபத்ர விசாலாக்ஷி மாருதஸ்ய ஔரசம் சுதம் தவ சத்வம் பலம் சைவ விஜானாமி மஹாகபே வாயோரிவ கதிம் சாபி தேஜஸ்சாக்னிரிவாத்புதம் ப்ராக்ர ப்ராக்ருதோன்யஹ கதம் சேமாம் பூமிமா கந்தும் அர்ஹதி உததேர பிரமேயஸ்ய பாரம் வானர புங்கவா ஜானாமி கமனே சக்திம் நயனே சாபி மே மம அவசியம் சம்பிரதாரியாஷு காரிய சித்திர் மகாத்மனஹ அயுக்தம் துகபி சிரேஷ்ட மம கந்தும் துயானக வாயுவேக சவேகஸ்ய வேகோ மாம் மோகே தவ அஹம் ஆகாஷமா பண்ணா ஹ்யுபரி ஹ்யுபரி சாகரம் பிரபதேயம் இதே பிருஷ்டாத் பயாத்வேகேன கச்சதஹ பதிதா சாகரே ஜாகம் திவினக்ரஜ சாகுலே பவேயம் ஆஷு விவசா யாதசாமன்னம் உத்தமம் நச்ச சக்கே த்வயா சார்தம் கந்தும் சத்ரு விநாசனா கலத்ரவதி சந்தேகா த்வயப்பி ஸ்யாத் சம்சயஹ ஹ்ரியமாணாம் துமாம் திருஷ்ட்வா ராட்சஸா பீம விக்ரமாஹ அனுகச்சேயுராதிஷ்டா ராவணேன துராத்மனா தைஸ்த்வம் பரிவ்ருதஹ சூரைஹி சூலமுத்கர பாணிபிஹ பவேஸ்த்வம் சம்சய ப்ராப்தோ மயா வீர கலத்ரவான் சாயுதோ பகவோ வ்யோம்னி ராட்சதாத்வம் நிராயுதஹ கதம் சக்ஷதி சம்யாதும் மாம் சைவ பரிரக்ஷிதும் யுத்யமானஸ்ய ரக்ஷோபிஹ தவ வை க்ரூர கர்மபிஹ பிரபதேயம் ஹிதே பிருஷ்டாத் பயார்த்தா கபி சத்தம அத ரக்ஷாம்சி பீமானி மகாந்தி பலவந்தி ச கதஞ்சித் சாம்பராயே த்வாம் ஜயேயுஹ கபி சத்தம அதவா யுத்யமானஸ்ய பதேயம் விமுகஸ்யதே பதிதாம் ச க்ரீத்வா மாம் நயேயுஹ பாபராட்சதாஹ மாம் வா ஹரேயுஸ்தத்தஸ்தாவத் விஷயே விஷசேயுரதாபி வா வியவஸ்தௌ ஹி த்ருஷ்யேதே யுத்தே ஜய பராஜயௌ அஹம் வாபி விபத்யேயம் ரக்ஷோபிஹ அபிதர்ஜிதா த்வத் பிரயத்னோ ஹரிஸ்ரேஷ்டஹ பவே நிஷ்பலயே வது காமம் தமசி பர்யாப்தோ நிகந்தும் சர்வராட்சதான் ராகவஸ்ய யசோ ஹியேத் த்வயா சஷ்யைஸ்து ராட்சதைஹி அதவாதாய ரக்ஷாம்சி ந்யசேயுஹ சம்ப்ரதேஹி மாம் யத்ர தே நாபி ஜானீயுஹ ஹரயோ நாபி ராகவௌ ஆரம்பஸ்தோ மதர்த்தோயம் ததஸ்தவ நிரர்த்தகஹ த்வயா ஹி சஹ ராமஸ்ய மஹானாகமனே குணஹ மயி ஜீவிதமாயத்தம் ராகவஸ்ய மஹாத்மனஹ ப்ராத்ருணாம் ச மஹாபாஹோ தவ ராஜகுலஸ்ய ஜ தௌ நிராஷோ முதர்த்தே து சோக சந்தாபகர்ஷிதௌ சஹ சர்வர்க்ஷ ஹரிபிஹ த்யக்ஷதஹ பிராணசங்கிரஹம் பர்த்ருபக்திம் புரஸ்கிருத்ய ராமாத் அன்யஸ்ய வானரா ந ஸ்பிருஷாமி ஷரீரம் து பும்சோ வானர புங்கவா யதஹம் காத்ர சம்ஸ்பர்ஷம் ராவணஸ்ய பலாத்கதா அனிஷா கிம் கரிஷ்யாமி வினாதா விவசா சதி எதி ராமோ தசக்ரீவஹ தசக்ரீவம் இஹ ஹத்வா சத்பாந்தவம் மாமிதோ கிருஹ்ய கச்சேத தத்தஸ்ய ததிருஷம் பவேத் ஸ்ருதா ஹி த்ருஷ்டாஸ்ச மயா பராக்ரமா மஹாத்மனஸ்தஸ்ய ரணாமமர்தினஹ ந தேவ கந்தர்வ புஜங்க ராட்சஸா பவந்தி ராமேன சமாஹி சம்யுகே சமீக்ஷதம் சம்யதி சித்ரகார்முகம் மஹாபலம் வாசவ துல்ய விக்ரமம் ச லக்ஷ்மணம் கோ விஷஹேத ராகவம் ஹுதாசனம் தீப்தமிவாக்
रुक्मिवानिलेरितं सलक्ष्मणं राघवमाजिमर्दनं दिशागजं मत्तमिव व्यवस्थितं सहेतको वानरमुख्यसं युगे युगान्तसूर्यप्रतिमं सरार्चिषं समे हरिश्रेष्ठ सलक्ष्मणं पतिं सयूतपं क्षिप्रमिहोपपादय चिराय रामं प्रतिशोककर्षितां कुरुष्वमां वानरमुख्यहर्षितां। इत्याश श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये श्रीमत्सुन्दरकाण्डे हनुमत् बृहद्रूप प्रदर्शनं नाम सप्तत्रिंशत् सर्गः। जानकीकान्त स्मरणं। जय जय राम राम। सद्गुरुनाथ महाराज की।